नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन बागुल वापस एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट और नजदीक दिल के करीब एकदम सेंसिटिव सपने के बारे में, जो है नया घर, आपका अपना घर। अब जब हम अपना घर बोलते हैं तो शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी अपने खुद के घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक इरादा रखते हैं कि एक और नया घर हो या कुछ और नए घर हो। लेकिन ऐसे टाइम पर सबसे पहला एक इश्यू आता है, एक चैलेंज अपने सामने खड़ा हो जाता है कि उस घर के लिए या उस प्रॉपर्टी के लिए जो अपफ्रंट मनी लगेगा, जो पैसा लगेगा डाउन पेमेंट के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या फिर जो पैसा लगेगा स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए, वो कहां से खड़ा होगा। तो वो पैसा कहां से आप उसको इकट्ठा करें, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर। अब सवाल ये पैदा होता है, पहले अंडा कि पहले मुर्गी? क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये मन में आता है कि इमीडिएटली ईएमआई शुरू करें क्या, होम लोन खरीद के कहीं से कुछ पैसा उधारी पे लेके डाउन पेमेंट करवा दे और फिर होम लोन शुरू कर दे क्या, या फिर अभी से म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करें और थोड़ा सा डिले हो जाएगा ये जो होम परचेज का जो डिसीजन है, नया घर खरीदने का जो डिसीजन है, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन आप फायदे में रहोगे जिंदगी भर के लिए, कौन सा आपको ऑप्शन अच्छा लगता है? मेरे ख्याल से दूसरा ऑप्शन अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसको एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका ईएमआई है 51,000 रुपीस का, तो ये तो आपके मंथली इनकम में से बहुत बड़ा पोर्शन है 51,000 रुपीस का ईएमआई, और इससे आप होम लोन कितना रिपे कर पाओगे और इसका इफेक्ट क्या आएगा पता है? कि अगर आपका इतना बड़ा ईएमआई है तो उससे आपका सिर्फ इंटरेस्ट पूरे टेन्योर में लोन के कितना जाएगा पता है? 1,15,00,000 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अब ये जो मैजिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, ये आपके फेवर में कैसे टर्न करे जानना है आपको। सिंपल है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दीजिए और वो एसआईपी जो है वो आपको उतनी ताकत देगी कि आपको इतना ईएमआई या इतना इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। जानना है कैसे? चलिए फिर एक एग्जांपल देखते हैं। सिंपल सी बात है, आप 51,000 का ईएमआई अफोर्ड कर रहे थे अगर होम लोन निकाल रहे, तो आप थोड़ा सा वो डिसीजन डिले करना है आपने, और आपने शुरू करनी है एक एसआईपी म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए की। अब आप बोलोगे बाप रे, 50,000 रुपए की एसआईपी कैसे शुरू हो सकती है, कैसे होगा अफोर्ड? क्यों? आप 51,000 का ईएमआई नहीं पे कर रहे थे। तो अगर 51,000 का ईएमआई अगर आप पे कर रहे थे तो आपको 50,000 की एसआईपी तो जरूर आनी चाहिए, क्योंकि उतना तो पैसा वहां पे डालने वाले थे ना, तो वही 50,000 अब यहां पर डालने हैं 10 साल तक, हर महीना 50,000। और एक कंसिडर करते हैं कि 10% के हिसाब से हर साल के रिटर्न्स मिले हैं। अब म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये कम ज्यादा तो हो सकता है, तो हम यहां पे कंसिडर करेंगे 10% की आपकी जो रिटर्न्स है म्यूचुअल फंड की एसआईपी पे वो मिल रहे हैं। अब इससे 10 साल में आपके ये 50,000 हर महीना डालने के बाद कितने होंगे पता है आपको? आपके होंगे अप्रोक्सीमेटली 1,41,00,000 रुपए आपके होंगे। और पहले वाले एग्जांपल में 51,000 की ईएमआई के साथ आप टोटल इंटरेस्ट ही सिर्फ कितना पे कर रहे थे? 1,15,00,000। और यहां पे उसी 50,000 से एसआईपी से आप कितना कमा रहे हैं? 1,41,00,000। यानी आपके उस लोन से तो अच्छा है ना ये। अब आप बोलोगे कि भाई जीवन, आप तो 10 साल के बाद ये रियल एस्टेट परचेस करने की आप बात कर रहे हो, लेकिन 10 साल में तो प्राइसेस भी तो बढ़ जाएंगे। अगर हमने 51,000 के ईएमआई पे करके प्रॉपर्टी अभी खरीदी तो अभी सस्ते में भी होगी, वो अगर 10 साल के बाद यानी एसआईपी शुरू कर दी, 10 साल हमने एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके बाद वो पैसा मिलेगा, उसके बाद प्रॉपर्टी ये परचेस करेंगे, तो 10 साल में तो उस प्रॉपर्टी के प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। तो ये कैसे क्या काम करेगा? नेशनल हाउसिंग बैंक्स रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स के हिसाब से मुंबई की जो प्राइसेस है वो पिछले 10 साल में 30% से बढ़ी हुई है।
चलिए यहां पर हम कंसिडर करेंगे कि आप जो प्रॉपर्टी देखने वाले थे उसकी प्राइस 40% से बढ़ गई है, ठीक है। तो आपने जो SIP की थी 50,000 रुपए की, उससे तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिला है जो कि आपका इंटरेस्ट के अमाउंट से भी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबल इंटरेस्ट के अमाउंट से। तो वो पैसा आप इस प्रॉपर्टी के प्राइस के लिए तो आप पे कर रहे हैं। अब उसके अलावा जो भी थोड़ा सा पैसा बनता है वहां पे बचता है कि जो आपको लगने वाला है उसके लिए तो आप लोन निकाल सकते हैं, यानी लोन की जो अमाउंट है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। तो आपको बहुत कम अमाउंट के लिए लोन निकालना पड़ेगा, ये है उस SIP का फायदा। अगर आप सोचते हैं कि 5-7 साल के बाद, एग्जाम्पल है 5-7 साल, तो आपको लेना है एक नया घर और उसके डाउन पेमेंट के लिए आपको पैसे आपको बचाने हैं, सेव करवाने हैं, तो उसके लिए भी आप SIP शुरू कर सकते हैं। और ये SIP से जो पैसा इकट्ठा होगा वो आप एज अ डाउन पेमेंट आप वहां पर दे सकते हैं बिल्डर को, या फिर बैंक को भी दिखाना पड़ता है ना कि उनके लोन अमाउंट के लगभग 20-25% के आसपास, घर के 20-25% के आसपास आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। उसके लिए SIP आपको बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि अभी से आप इमीडिएटली, जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि आपको इतने साल बाद ये पैसा लगने वाला है, आप SIP शुरू कर दीजिएगा। एक उसका रिवर्स कैलकुलेशन करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं, और फिर वो जो अमाउंट है उतने अमाउंट के SIP शुरू कर दीजिए, तो आपका बराबर से उतने सालों में उतना पैसा डाउन पेमेंट के लिए इकट्ठा हो जाएगा, डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी के लिए, और फिर आपका होम लोन लेना बहुत आसान हो जाएगा। अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि 5 साल के बाद आपको 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब वहां पर आपको डाउन पेमेंट के लिए लगेगा लगभग 25% का अमाउंट, यानी 25 लाख रुपए आपको लगेंगे। अब 25 लाख रुपए अगर आपको उस टाइम तक 5 साल में इकट्ठा करने हैं, तो SIP कितने रुपए की करनी पड़ेगी? अगर 12% के हिसाब से हम रिटर्न्स कंसीडर करते हैं SIP के, तो आपको लगेगी SIP 30,000 रुपए की। 30,000 के SIP, 12% के हिसाब से लगभग 25 लाख रुपए आपके 5 साल में तैयार हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आप बहुत लंबे टेन्योर का होम लोन लेते हैं, और कभी कभी फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको वो थोड़ा सा प्रीपे करके आपको टेन्योर भी कम करना है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपने अर्ली एज में अगर आपने SIP शुरू की है, तो वो पैसा आपको काम आ सकता है, आपके लोन को थोड़ा सा जल्दी रीपे करे, या फिर उसको बोल सकते प्रीपे करे, और फिर आपका टेन्योर कम हो सकता है, क्योंकि 20-25-30 साल आपके वर्क लाइफ के उसी में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए आपने जैसे ही काम करना शुरू किया है, जैसे ही जॉब करना शुरू किया है, इमीडिएटली एक अच्छी खासी अमाउंट की SIP शुरू कर दीजिए, वही काम आएगी आपको आपके घर के लिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी अमाउंट की SIP हम लोग शुरू कर सकते हैं इस रीजन के लिए। तो हम लोग बोलते हैं कि जनरली जब आप काम करना शुरू कर देते हैं उतने ज्यादा खर्चे होते नहीं है, तो अराउंड 50-60% सैलरी का आप SIP में डाल सकते हैं, बाकी का आप अपने खर्चे के लिए रख सकते हैं, या फिर आप EMI की जो आपकी प्रोबेबल अमाउंट है उसके 20% के आसपास की अमाउंट के आप SIP शुरू कर दे, ताकि एक थोड़ा सा वो आपका पैसा जनरेट होता रहेगा, जो कि आप बाद में वो घर खरीदने के लिए आप इन्वेस्ट वहां पे दे सकते हैं, और आपके लोन के अमाउंट या फिर टेन्योर आप इमीडिएटली कम करवा सकते हैं। तो ये SIP कितने रुपए की हो, या फिर कितने साल बाद, कितना परसेंट के बाद, कितना अमाउंट आपका हो सकता है, ये सारी चीजें आप इस एक टेबल में आपको पता चल जाएगी। ये टेबल गौर से देखिएगा कि आपको बताएगा कि आपने कितने रुपए की SIP शुरू करनी है, एक थोड़ी सी तो आइडिया ये टेबल डेफिनेटली दे सकता है। SIPs आपको आदत लगाती है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स की। भले इसमें मार्केट रिस्क हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें मार्केट रिस्क नहीं होते हैं। तो SIP में अगर आप इन्वेस्टमेंट धीरे 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 शुरू कर देते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके इस नए घर के जो गोल है, वो जो ड्रीम है आपका नए घर का,
वो अचीव करने में आपको यही SIP बहुत ज्यादा काम आएगी। तो ये जो SIP है ये आपके हर सपने को पूरा कर सकती है, इतनी ताकत SIP में होती है। हम चाहते हैं कि आप में से हर कोई अपनी एक एक SIP शुरू करे, भले वो 1,000 रुपए से शुरू करिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपको बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता है तो 1,000, 2,000 की SIP करने से फायदा नहीं होगा, उसका रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर हम आपको बता सकते हैं कि आपको आपका गोल अचीव करने के लिए कितने रुपए की SIP की आवश्यकता है। वो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो ऐसे ही 1,000 आप इन्वेस्ट करोगे 5 साल के बाद 1 करोड़ रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर बड़ा अमाउंट चाहिए तो बड़ी SIP शुरू करनी पड़ेगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ और सच में अगर आपको लगता है कि मददगार साबित हो सकता है तो प्लीज ये वीडियो आप अभी के अभी शेयर करना शुरू कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी ये चैनल सब्सक्राइब करिए और अब मिलते हैं हमारे अगले हटके टॉपिक के एक वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और अब टाटा, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।